गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज है 17 तारीख। मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि आज सोमवार। मैं नहा धो के एकदम फ्री हो चुकी हूँ। आपको वेदर दिखा देती हूँ, वेदर देख लो एक बार। देखो वेदर एकदम ठंड पड़ रही है यहाँ पर। जुलाई के महीने में कहाँ ठंड पड़ती है नागालैंड में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शिमला में भी ठंडी पड़ रही होगी इस मौसम में। कितनी ठंड है यहाँ पर देखो। तो मंदिर से आ जाती हूँ, फिर मिलती हूँ, क्योंकि मंदिर में अभी बुआ जी और भाभी वगैरह सब बार सबसे मिलवाती। ये मंदिर में गीता भाभी और जो सामने भगवान के सामने जितनी भी लेडीजें दिख रही हैं ना, वो सब पे भाभी और बुआ जी हैं। वो बुआ जी खड़ी हैं ग्रीन कलर की साड़ी पहनकर। यहाँ पे मैं भाभी जी को बोल रही थी कि भाभी आप पाठ कर लो और मैं घर जा रही हूँ। और ये छोटी सी गुड़िया थी ना, इसने आज मेरी इतनी सारी फोटो क्लिक करी, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आ चुकी हूँ मंदिर से। और गाइस सच में एकदम सर्दियों वाला मौसम हो रखा है बहुत ज़्यादा। देखो आप लोग मौसम, मतलब धुंध इस तरीके से छा रखी है ना, हम आपको बता नहीं सकते। मतलब बहुत गंदा मौसम हो रखा है यार, बहुत गंदा। कल भी पूरे दिन ऐसा रहा था और आज तो धूप है ही नहीं, बिल्कुल ही धूप नहीं। देखना क्या हो रखा है ये, देखो आप लोग। फिर से आ चुकी है और मैंने चेंज भी कर लिया है। अब क्या रह गया है, अब है सूर्य आ जाए वो खाना खा ले। मैंने अभी कुछ नहीं खाया क्योंकि मेरा फास्ट है। मैं शायद थोड़ा फास्ट वाला खाऊँगी, मतलब फ्रूट्स और चिप्स वगैरह जो फास्ट वाली आती मैं वो खाऊँगी। और मौसम गाइस सेम वैसे के वैसे आपको सामने दिख रहा होगा, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है इतना सा भी। और प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताया करो ना, किस पे वीडियोस बनाऊँ किस पे नहीं कराऊँ। थोड़ा बहुत तो आपका हेल्प करना बनता है यार, वीडियोस देखते हो आप प्लीज़। गाइस सॉरी यार, मेरे पास ना अभी स्टैंड नहीं। मैंने एक स्टैंड मंगाया था लेकिन मुड़ के मेरा टूट गया। मेरे लिए खाने में है आज ये चिप्स और एक ये मस्त खाना। मैं अपने लिए बना कर ले आई हूँ। ये चिप्स है साबूदाने वाली और ये चाय। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, बट मुझे कभी कभी पीनी पड़ जाती है क्योंकि फास्ट में मुझे यही करना पड़ता है। कितना सोच के बोलना पड़ा मुझे, पर ये चिप्स बहुत अच्छी लगती है। अब मुझे बता रहा कौन कौन, बहुत से लोग क्या करते हैं दिन में खाना खा लेते हैं, बहुत से क्या करते हैं नाइट में खाना खाते हैं। तो मैं ऐसी हूँ, मैं नाइट में खाना खाती हूँ, मैं शाम को खाना खाती हूँ, दिन में खाना नहीं खाती हूँ। अब मैं ये खाऊंगी और एक बार शाम को फ्रूट खा लूँगी, बस फिर सीधे खाना खा के सो जाऊँगी। आप लोग कमेंट करके बताओ ना आप लोग कब खाना खाते हो, ठीक है। आ गए और मेरे लिए फ्रूट लेके नहीं आए, पापा ने इनको बोला था। तो नहीं बोला, झूठे कैसे बोल रहे हो आप, पापा से पूछो। अब आपको पता नहीं था मेरा फास्ट है। गाइस ये देखो खुद अकेले अकेले खाने में लगे हुए हैं, ये नहीं दिख रहा इनकी वाइफ का आज फास्ट है। तो क्या खाऊं? नहीं आप भी रखो कल से। कोको कोको मेरी कोकड़ी मेरी कोकड़ी मेरी कोकड़ी। गाइस मैं देख रही हूँ बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। गाइस आज अमरू भैया ने भी फास्ट रखा है, इन्होंने मुझे अब बताया है, तो मैं इनके लिए और अपने लिए बना रही हूँ उबले मा आलू के लिए। मैं अपने लिए हम दोनों के लिए बना रहे हैं। ये झूठ ना बोला करो, हम दोनों के लिए आलू उबाल के कुछ खाएंगे। नहीं तो अपने लिए बोलो ना, हम दोनों खाएंगे ऐसे ही बोलते हैं। ये देखो अमरू भैया चाय बना रहे हैं और मैं मेरे लिए वो बना रही हूँ। बस भैया बस बहुत है, हो गया काम। अब हम जब फलारी करेंगे तब आपसे मिलते हैं ना, हम नाश्ता वास्ता कर ले, भूख लग रही बहुत है ना अमरू भैया। ये फलारी बहुत अच्छी होती है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो जब लोग आप लोगों का फास्ट हो। ये सिंपल होती है, हरी मिर्च टमाटर में तड़का लगता है और काली मिर्च और फास्ट वाला नमक ये डलती है इसमें, बहुत टेस्टी होता है सच में। मैंने फिलहाल ये सूट पहना, ये सूट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मुझे ऐसे ही सूट अच्छे लगते हैं शरारा टाइप में। आई लव दिस सूट। मैं जा रही हूँ नीचे, मुझे कुछ अब एक महीने का मेरा फास्ट है तो मुझे फ्रूट्स चाहिए, तो मैं फ्रूट लेने जा रही हूँ क्योंकि सूर्य भी अभी नीचे, तो मैं भी चली जाती हूँ। लेट्स सी, चलो नीचे चलते हैं, यहाँ की आपको फ्रूट वाली दुकान दिखाती हूँ। चलो बताओ ना प्लीज़, थोड़ी पतली बना लेना, मेरे को थोड़ी सी पतली अच्छी लगती है थोड़ी। हाँ तो ठीक है, ऐसा करो ये तीन मेरे लिए अलग छोड़ दो, ये इसमें मैं अपनी अलग बना लूँगी, ठीक है। इनको मत काटना, आ रही हूँ मैं नीचे जा रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है अमर भैया, ठीक है ना। चलो गाइज अपन चलते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो नागालैंड में, तो मैं तुम लोगों को बता दूँ कि मैं नागालैंड में मोकोकचुंग सिटी से हूँ, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है मोकोकचुंग, मैं वहाँ से हूँ। सीढ़ियाँ तैयार हैं चलने के लिए। आज तो गाइज पता है मैं 2 बार गिरते गिरते बची थी, सच में इतने पैर स्लिप होते हैं ना, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बहुत पैर स्लिप होते हैं भाई साहब, बहुत डर लगता है। तो आज मैं जाते टाइम भी उधर से गई थी, नहीं जाते टाइम तो मैं इधर से गई थी मंदिर, आते टाइम मैं उधर से आई थी,
बहुत डर लग रहा था। देखो देखो तुम, देखो तुम मतलब कैसे नहीं फिसलेंगे पैर, हालत ख़राब हो जाए भाई साहब। बहुत धीरे धीरे उतरना पड़ता है इस मौसम में। देखो ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं यहाँ पर। ये बिहार की साइड से लोग आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, देखना कितना वजन उठा के ला रहा है बेचारा ये, कितना छोटा सा बच्चा है। हाय हाय कितना क्यूट बच्चा है, इतने सारे लोग खड़े नीचे। चलो गाइस मैं उतर जाती हूँ नीचे, नीचे जाके दिखाती हूँ दुकान। पता है ना, तो यहाँ से दो दो बाल्टी पानी भर के लेके जाते हैं। देखो पूरा भर रखा है ये पानी से अभी, और पानी इसमें से ऐसे डुल रहा है देखो, क्योंकि ये ज़्यादा भर गया है। यहाँ से पानी लेके जाते हैं सब लोग, दो दो बाल्टी, और दो 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 बाल्टी ही पानी मिलता है गाइस यहाँ से। देखो ये मैं नीचे आ गई मार्केट में, अब चलो मैं थोड़ा से अपनी फ्रूट्स जूस वगैरह ख़रीद लेती हूँ, फिर मैं आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है आज, क्योंकि एक महीने फास्ट रहने वाला है। पता है सेब 380 रुपये किलो है यहाँ पे, सेब 380, समझ रहे हो 380 मतलब, भाई साहब महंगाई देख रहे हो। आम तो कितने ज़्यादा ही ख़राब थे, जूस और ले लेती हूँ, सेब तो ले लिए, चलो चलते हैं अब। ये व्यू हमारी दुकान से दिखता है, जो हमारी शॉप है यहाँ से दिखता है ये वाला व्यू। ब्यूटीफुल गए, बहुत थक गए, हाँ गुजर जाती है। ओ मम्मी चलो तुम लोगों को सामान दिखाते हैं लेकर आई हूँ। एक तो मुझे ये चाहिए था हार्पिक, इसमें सेब लेकर आई हूँ मैं, ये किसान का पाइनएप्पल जूस, एक ये रियल जूस ग्वावा का, और ये बिस्किट्स हैं, इसमें पास्ता है, ये सारे बिस्किट्स हैं इसलिए, क्योंकि सूर्य को सुबह सुबह भूख लगती है और उनको कुछ और खिलाते इनके गैस बन जाती है, तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि आप बिस्किट खाया करो सिर्फ चाय के साथ, मैं चाय पीती नहीं हूँ। अब मैं सब्जी चमक देती हूँ भैया फट करके, भैया का काम टाइम से फ्री हो जाएगा एकदम। तू नहीं नवेली दूल्हा बना दी, एकदम मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं चलती हूँ मेरी मूवी देखने वापस से। अमरू भाई अभी अपनी मूवी देख रहे हैं, देखो भूत की लगाई है मैंने अमरू भैया के लिए मूवी। कोको ये मैं है पराठा तोरे की सब्जी और कढ़ी, बहुत अच्छी लगती है, मतलब चपाती है, बट मैंने एक पराठा सिखवाया आलू का, मुझे पराठा अच्छा लगता है इसलिए। आ जाओ खाते हैं, शायद ये भी आ गए। सुनो पराठा खा लो, आलू का, आलू का। वाह आज तो पूरे दिन आलू खाए हैं मैडम ने, है ना, वाह अच्छे ना, देखो खा के तो जी भर के उल्टियां करेंगे अपन, है ना। ऐसे मत बोला करो जान प्लीज। नहीं नहीं कैसे बोला करो, और कैसे बोले आपको बताओ, खा के देखो बढ़िया तो बढ़िया है, मेरे को पता है।